हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज राशिद। और कैसे हैं सब? आप देख रहे हैं राशिद मीज रिएक्शंस, और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है अबाउट सोशल मीडिया, कि आजकल जो सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी जो लाइफ है, आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो फैमिली रिलेटिव है, या जो भी आपके करीबी दोस्त हैं, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके और आपके रिलेशन में कितना डिफरेंस आ गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जो मोबाइल की वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो इसकी एक छोटी सी उसको एक सी एग्जांपल पेश की गई है कि हाउ सोशल मीडिया रुइंड माय लाइफ, तो कैसे उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है सोशल मीडिया ने। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ये हर बंदे को रिलेट करेगी, सबसे रिलेटेड होगी। तो अगर इस वीडियो के मतलब आपकी राय है तो जरूर बताएं। लेट्स स्टार्ट। BYN हेलो, हाय, की वीडियो है। हैव यू रीच्ड ऑफिस? बी यू नीड ऑलमोस्ट जस्ट इन द लिफ्ट। अच्छा, ओके। और शाम को मुझे पिकअप करने आ रहे हो ना? शाम को? ये कब हुआ? यू डोंट रीड माय व्हाट्सएप मैसेजेस। ओहो निक, यू डोंट पे एनी अटेंशन टू मी। चलो ना, डोंट पे। फर्स्ट बात सुन ली है, अभी सेकंड सुनते हैं। हाय। ए हाय, व्हाट्स अप? नथिंग मच। अच्छा सुन, तो बॉस ने हाफ डे के लिए हाँ बोल दिया है, तो आई होप योर फ्लाइट इज ऑन टाइम। अरे बट आई रीच्ड होम। व्हाट? माय फ्लाइट गॉट प्रीपोन्ड ना। अरे यू शुड हैव टोल्ड मी ना, यू डिडंट व्हाट्सएप मी आल्सो दिस टाइम। नहीं, आई मैसेज्ड यू ऑन फेसबुक मैसेंजर। ओह, एक जगह एसएमएस कैसे करें? एनी अटेंशन टू मी यार, नाउ गो बैक टू वर्क। ओके ओके, हर बार ये बात सुनना पड़ेगा। हेलो, इतनी जल्दी पहुंच गए तुम वर्सोवा? पर पार्टी तो 9 बजे की है। पार्टी? कौन सी पार्टी? आरती की पार्टी। नाउ बिकॉज़ आई रीच्ड अर्ली, तो मैंने सोचा हम पार्टी अटेंड कर लेते हैं। बताया तो था तुम्हें। अरे ये कब बताया? अरे आप चेक व्हाट्सएप, आप चेक मैसेंजर, और तो मेरे को कोई मैसेज नहीं आया था। अरे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम देखो आ गए। नहीं, यू डोंट पे एनी अटेंशन टू मी यार। यही बात मुझे सुन रहा बार बार। हेलो, कैब बुक कर दी क्या? कैब? क्यों? मेरे गाड़ी से आया था ना पार्टी में। व्हाट पार्टी? अरे आरती की पार्टी, तुमने ही तो बोला था। अरे बट आई कांट गो टू द पार्टी ना। व्हाई? अरे मेरे मामा आ रहे इंदौर वाले। लिसन, अभी एसएमएस किधर किया होगा? मैसेंजर, इंस्टाग्राम, किधर भी मैसेज नहीं आया तेरा। एंड हु विल चेक माय स्नैपचैट? स्नैपचैट भी है बाबा। स्नैप सेइंग हैशटैग सॉरी आरती, निक यू डोंट पे एनी अटेंशन टू मी यार। पागल हो गया बेचारा। हेलो, डिड यू रीच वर्सोवा? वर्सोवा? यू आर जोकिंग राइट? व्हाट? यू नो व्हाट, मामा जी केम एंड लेफ्ट आल्सो, ही डिडंट स्टे, सो द पार्टी इज ऑन। नाउ व्हेन डिड यू डिसाइड दिस? जस्ट अभी। तुमने मेरा ट्विटर पे ट्वीट नहीं देखा क्या? ओह, हैशटैग डिलीट कौन पड़ेगा? योर आई कम ट्विटर पे रियली? अच्छा, और रघुराम राजन के ट्वीट्स पढ़ने का बड़ा टाइम है तुम्हारे पास, पर मेरे नहीं। हर चीज का पता है। यू रियली डोंट पे एनी अटेंशन टू मी। थैंक यू। अभी देखते हैं अभी बाकी क्या रह गया। हेलो, अच्छा लिसन, आई लेफ्ट फ्रॉम ऑफिस नाउ, आई होप यू आर रेडी। कैसे रेडी हो जाऊं? तुमने बताया कहां थी कौन सी ड्रेस पहनूं? अरे अब ये कहां पूछा तुमने? अरे मैंने ईमेल किया तो था विद टू अटैचमेंट्स। ईमेल कर दिया अभी। ऑफिस की सारी ईमेल्स पढ़ने का टाइम है तुम्हारे पास, बस मेरी नहीं। निक, यू डोंट पे एनी अटेंशन टू मी यार। यू डोंट पे एनी अटेंशन, यू आर सुन सुन के पागल हो गए क्या? ए हेलो, हेलो लिसन, यू हैव सेंड योर मैसेज बट आई एम एक्टिव ऑन ऑल सोशल मीडिया, मुझे तो कुछ भी नहीं आया। आएगा, गो टू योर बेडरूम। सोशल मीडिया के थ्रू नहीं भेजेगा भाई। कबूतर? कबूतर? अरे इसके पैर पे क्या है? ओपन एंड रीड इट। लव लेटर मामी। कृतिका, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, इट्स ब्रेकिंग, गुड बाय। एग्जैक्टली। ओह, हाय गाइस, हाई फाइव। हाय फाइव।
if you two have a girlfriend who's super who's super active in all the social media, please share this with her. And wow. And also please abhi like, bhi dekh lo. Share, comment, subscribe. Oh my god. Yes. Especially subscribe, because last time you told me that we'll reach to 3 million. We haven't reached it yet. But I trust you. I'm waiting. Oh, beautiful. Yeah? Enough. Baso. ये और बहुत जबरदस्त वीडियो है यार, बहुत अच्छी लगी है। और ये देखें कि इतना ज्यादा भी तंग नहीं करना चाहिए, जैसे उसको तंग किया गया लड़की की तरफ से। बेबी यू हैवंट पे एनी अटेंशन टू मी, मतलब बार 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 सुनको एक दिन में कितना तंग किया उसको। उसकी वाइफ हो सकती है, जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड हो, वाइफ भी हो सकती है। तो इसके लिए सोशल मीडिया जस्ट वन रिलेशन यहाँ दिखाया गया। अगर आप सोचें आपके बहन भाई हैं, आपके जो घर के बाकी रिलेशन हैं, उन बिजी होने की वजह से हम वो भी भूल गए, और एक ही जगह में एक कमरे में छः छः आदमी बैठे हुए हैं सब, लेकिन व्हाट्सएप पे बात करेंगे। ये भी एक ट्रेंड बन गया है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, उसके बाद इंस्टाग्राम, स्टोरी डालो स्टोरी डालो। ये एक हर किसी के रिलेटेड लाइफ है। तो प्लीज़ अपनी फैमिलीज को भी टेंशन दें, अपने रिलेशंस को भी टेंशन दें, ना कि ओनली यूट्यूब, ना कि ओनली जो है ना इंस्टाग्राम और ऑल सोशल मीडिया। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करना चाहें तो करें, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल घुस मत जाएं। जैसे कि उसका कि सोशल मीडिया का हो के ना रह जाएं, फैमिली का रहें, दोस्तों का रहें। इसका मेन मकसद तो यही है कि सोशल मीडिया जो है ना आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है, उसको कंट्रोल में रखें, अपने आप को कंट्रोल में रखें, और फैमिलीज को दोस्तों को टाइम दें और खुश रहें। आई होप कि आपको मैसेज अच्छा लगा हो इसका, क्योंकि हर गर्ल और बॉय के साथ ये रिलेट करेगी। तो आप में से कौन ऐसा करता है, आप में से कोई ऐसी बीवी है या जिसके फ्रेंड के साथ आपने इतना ज़्यादा तंग किया हो, या आपको फ्रेंड कोई ऐसा है जिसकी दोस्त ने उसको इतना ज़्यादा तंग किया हो और इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। तो आप भी ज़रूर बताएं अपनी राय। बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छी लगी है। थोड़ा हंसने के लिए ये वीडियो लाए थे कि थोड़ा डिफरेंट चेंज हो जाए सॉन्ग्स, और दूसरे सिटीज रिएक्शन भी करते रहते हैं, तो चलो थोड़ा चेंज हो जाए। तो इसके लिए ये वीडियो लाए। तो चलिए चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छी सी वीडियो मिलेंगी। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल को बजा लें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और आपको इंशाल्लाह कोई भी सजेशन, कोई भी रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो वो जल्दी इंशाल्लाह अच्छी सी किसी वीडियो में मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।